પ્રદૂષણ મુક્ત ભારત, વૃક્ષ બચાવો, ગાય માતાની રક્ષા કરો. હોળીનો તહેવાર સદીઓથી મનાવવામાં આવે છે, જે ઉનાળાની મોસમમાં તહેવાર છે. આ તહેવારથી વૃક્ષો બચાવી વાયુ પ્રદૂષણ ઓછું કરીને આપણા સ્વાસ્થ્યને સારું બનાવી શકીએ. જો આ તહેવારમાં આપણે વૈદિક હોળી પ્રગટાવીએ તો વાતાવરણને પ્રદૂષણ મુક્ત બનાવી શકીએ છીએ. આ વૈદિક હોળીના ફાયદા વાયરસથી થતા રોગોને અટકાવી શકીએ છીએ. ઓક્સિજન વધુ પ્રમાણમાં મળે છે. આ હોળીનો મુખ્ય હેતુ વૃક્ષો કાપતા બંધ થશે, ગાય માતાની રક્ષા થશે અને વાતાવરણ શુદ્ધ થશે. આવો આપણે સૌ સામાજિક ને વૈદિક હોળી પ્રગટાવીએ. दोस्तों, होली का त्यौहार आ रहा है और होली के त्यौहार को हर कोई मनाना चाहता है, लेकिन आज कामधेनु गौमृता के संकल्प से हम ये वृक्ष ना कटे, कास्ट ना जाए, उसकी जगह गौ कास्ट, कास्ट की जगह गौ कास्ट, यानी कि वृक्ष की जगह हम गाय माता के गोबर में से बनी हुई छाड़, जिसको बोलते हैं गौ कास्ट बोलते हैं, इससे इसके थ्रू हम लोग होली मनाना चाहते हैं. तो इसके फायदे क्या होंगे? एक तो इसके अंदर जो ट्रीज जलते हैं तो उससे पर्यावरण बिगड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ये जो गाय की जो उपले जलेंगे, गौ कास्ट चलेगी तो उसमें से ऑक्सीजन होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा और गौ माता का रक्षण होगा. दूसरा, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, तो ये सारी जो है इसके अंदर से पूरी होती है. और रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि एक वृक्ष की कीमत 76,000 रुपये है, तो ना जाने कितने लाखों वृक्ष कट जाते हैं, करोड़ों रुपए का देश को नुकसान होता है. तो उस नुकसान से बचने के लिए, गाय माता के रक्षण के लिए, आप सभी वैदिक होली को मनाएं. इसके चलने से कोरोना जैसे वायरस भी चला जाएगा और हमारा देश के लिए आत्म प्रगति होगी, ऐसा मेरा मानना है. तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर अपना बुक करें, सिर्फ 2 दिन की मर्यादा है, कल और परसों सोमवार को इसकी लास्ट डेट है. तो जो कॉकस्ट मंगाना चाहते हैं आप प्लीज़ कॉल करिए कामधेनु गौमृता पर. जय हिंद, जय भारत, कृष्णम वंदे जगद्गुरु.